Hello everyone, welcome you back once again to the official YouTube channel of Spark Institute. And जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स का मॉड्यूल जो है वो लेती हूँ. एंड जनवरी 2024 का पार्ट वन जो है हम कवर कर चुके हैं. आज जो है हम पार्ट टू कवर करेंगे. उससे पहले जो है हम जनवरी फरवरी मार्च 2023 के करंट अफेयर्स एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स जो हैं कर चुके हैं. तो अगर आप में से किसी ने जो वो वीडियोस नहीं देखे हैं या वो देखना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, राइट. एंड आज जनवरी 2024 के पार्ट टू के साथ हम स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, द टैबलू ऑफ सी एस आई आर कंसेप्चुलाइज व्हाट. अगर आपको पता हो, रिपब्लिक डे पे हमारे फ्लोट्स बनते हैं, टैबलूज बनते हैं, जहाँ पे हर कोई जो है एक कुछ एक थीम को लेकर वहाँ पे प्रेजेंट करता है. तो सी एस आई आर जो हमारी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसके टैबलू ने क्या कॉन्सेप्चुलाइज किया था, क्या दर्शाया था? गोल्डन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन या फिर ब्लैक रेवोल्यूशन? इसका आंसर है पर्पल रेवोल्यूशन. पर्पल रेवोल्यूशन जो है, इट इज रिलेटेड टू लैवेंडर कल्टीवेशन. क्यों ये सवाल पूछा? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लैवेंडर कल्टीवेशन का जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में, इन्होंने अभी हमने पीछे भी करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि पाम्पोर में, पाम्पोर इज नो, वहाँ पे जो है लैवेंडर कल, पाम्पोर में नहीं, वो सॉरी सैफरन का था, सॉरी. तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा, लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स में लैवेंडर कल्टीवेशन को जो है कवर किया है. सो अगर किसी ने नहीं देखा है, प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वहाँ जाकर आप वो चीज़ देखिए. तो लैवेंडर कल्टीवेशन जो है, दैट हैज़ बीन मिशन लैवेंडर जो है जम्मू और कश्मीर में अंडरटेक किया गया है, सो दैट फार्मर्स की इनकम जो है उसको इन्हांस किया जाए, उनको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम दी जाए फ्रॉम हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस. लैवेंडर जो है, अगर आपको पता हो तो अरोमा जो है उसमें यूज़ होता है, अरोमा थेरेपी में, आपके परफ्यूम्स में, आपकी अगरबत्तियों में, कैंडल्स में, आपके डिफ्यूज़र्स में, हर जगह पे लैवेंडर का इस्तेमाल होता है. तो सी एस आई आर के टैबलू ने इसी लैवेंडर कल्टीवेशन को जो जे एंड के में उन्होंने अंडरटेक किया उसको शो किया. एंड हु इनिशिएटेड द लैवेंडर कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर में लैवेंडर कल्टीवेशन किसने इनिशिएट करी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. कॉन्ट्ररी टू वॉट एवरी वन थिंक्स कि जी एग्रीकल्चर ने करा होगा, हॉर्टिकल्चर ने करा होगा, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है जो लैवेंडर की कल्टिवेशन है साइंटिफिक तरीके से जो है उसको प्रमोट किया है जम्मू और कश्मीर में. और इस क्वेश्चन का आप आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप फर्स्ट से निकाल सकते थे. सी एस आई आर जो है वो कहीं ना कहीं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. इसका नाम ही काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, तो अगेन, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसी करंट अफेयर से रिलेटेड एक तीसरा सवाल, अंडर विच मिशन ऑफ सी एस आई आर हैज द पर्पल रेवोल्यूशन टेकन प्लेस? सी एस आई आर का कौन सा मिशन है, कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत हमने पर्पल रेवोल्यूशन को मतलब जो है लिया है? अरोमा मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन, लैवेंडर मिशन या फ्लावर मिशन? तो सी एस आई आर का अरोमा मिशन है. अभी पीछे बताया अरोमा के लिए लैवेंडर का इस्तेमाल किया, अरोमा थेरेपी में और एरोमेटिक्स में जो है लैवेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका एसेंशियल ऑयल निकाल कर जो है यूज़ किया जाता है. तो अरोमा मिशन ऑफ सी एस आई आर, ठीक है. तो सी एस आई आर का जो रिपब्लिक डे टैबलू था उसने हाईलाइट किया पर्पल रेवोल्यूशन थ्रू लैवेंडर कल्टीवेशन जम्मू एंड कश्मीर. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनिशिएट किया था 2016 में, अरोमा मिशन है. अब ऑब्जेक्टिव क्या है? एरोमेटिक क्रॉप्स को हम ग्रो करेंगे एसेंशियल ऑयल्स के लिए, राइट. जैसे लैवेंडर से लैवेंडर ऑयल निकलता है हमारा, बाकी रोज से रोज ऑयल निकाल लिया, रोज हिप ऑयल निकाल लिया, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स निकाले जाते हैं. To enable Indian farmers and the aroma industry to become global leaders, again farmers के लिए और industry के लिए एक ये opportunity है जिसको capitalize किया जा सकता है globally अपना इन चीज़ों में, एक lavender में और lavender के essential oil में export में, trade में basically.
to provide benefits to farmers in achieving higher profits, utilization of wastelands and protection of their crops from wild and grazing animals. Again, farmers की benefit के लिए है, ज़्यादा income उनको मिलेगी. कभी कभार होता है खाली piece of wasteland हमारे पास पड़ा, उसके ऊपर हम कुछ नहीं उगा रहे हैं, तो उसके ऊपर lavender उगाया जा सकता है. Moreover, lavender को जो जंगली और आपके grazing animals हैं, गाय भैंस बकरी कहते हैं ना, खेत में घुस गई, सारा फसल खराब कर दी, तो उनसे बचाने के लिए. वुमेन फार्मर्स की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो अंडर दिस द गवर्नमेंट एम्स टू प्रमोट लैवेंडर क्रॉप्स बाय इंसेंटिवाइजिंग फार्मर्स टू शिफ्ट टू द इंडिजिनस एरोमेटिक क्रॉप फ्रॉम अदर फॉरेन ऑल्टरनेटिव्स. अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है फार्मर्स को, उन फार्मर्स को जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही है, जो फार्मर्स जो इंडिजिनस वेराइटी है, जो इंडियन वेराइटी ऑफ लैवेंडर है उसको कल्टिवेट करेंगे रादर देन जो फॉरन वेराइटीज हैं उनसे, राइट. तो CSIR की कौन सी लेबोरेटरी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है CMAP, वो नोडल लेबोरेटरी है अरोमा मिशन की, राइट. जो फार्मर्स जिन्होंने पहली बार इंडिजिनस लैवेंडर की सीडलिंग्स लैवेंडर उगाया था उनको फ्री सीडलिंग्स दी गई थी एज पार्ट ऑफ द गोल, एंड दोज हु हैड सोन द क्रॉप बिफोर वो पेड 5-6 बाय द गवर्नमेंट पर प्लांट, 5 से 6 रुपए पर प्लांट जो है, जिन्होंने पहले ही लैवेंडर लगा दिया था सीडलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ही लगा दिया, तो गवर्नमेंट उनको 5-6 रुपए पर प्लांट जो है दिया था, राइट. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Since when has there been no assembly representation for the people of Jammu and Kashmir? कब से जो है जम्मू और कश्मीर में जो है असेंबली नहीं बनी है, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो खाली पड़ी है, कब से जो है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है हमारी यूनियन टेरिटरी में नहीं है. जुलाई 2018, जून 2018, जुलाई 2019, जून 2019. इसका आंसर है जून 2018. हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली तब से ऑपरेशनल नहीं है, तब से जो है हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है. डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड जम्मू और कश्मीर में वही गवर्नमेंट जो है जून 2018 से नहीं है. इसी से रिलेटेड एक और सवाल, बाय व्हेन हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट असेंबली इलेक्शंस इन J&K. सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. इलेक्शन कमीशन जो है बेसिकली ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 से लेकर 326 तक इलेक्शन से डील करता है. तो इलेक्शन कमीशन आपकी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया कि भाई J&K में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करो, इलेक्शंस करवाओ, ठीक है. तो कब तक, September 30th, 2024, October 31st, 2024, November 30th, 2024 या December 31st, 2024. तो ये डेट है September 30th, 2024. सरकार का क्या रीज़न है, गवर्नमेंट ने क्या रीज़न दिया है इलेक्शन ना करवाने का, वो कह रहे हैं कि पहले हम डीलिमिटेशन करवाएंगे. लेकिन जैसा कि आपको पता हो डीलिमिटेशन तो हो चुकी है, राइट. किसने लीड किया था डीलिमिटेशन कमीशन को, पढ़ चुके हैं हम पीछे करंट अफेयर्स में, लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स में. कमऑन, जिसको पता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में डू कॉमेंट, हु लेड द डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट. तो ये है बेसिकली, एक स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया था कि सेट टू विटनेस द एक्सपायरेशन ऑफ द 5-year टर्म ऑफ नियरली 30,000 लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम म्यूनिसिपल बॉडीज एंड पंचायत्स. 30,000 लोग जो हैं आपके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनकी 5 साल की जो टर्म है वो खत्म होने वाली है. अगेन, जो आपकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो जो है आउट ऑफ ऑफिस जा रहे हैं, तो टेम्पररी एब्सेंस रहेगी, राइट. तो वो चीज है. एंड की पॉइंट्स क्या है, लोकल बॉडी मेंबर्स जो है वो मिसिंग है. जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. या सो सॉरी अबाउट दैट, इम्पोर्टेंट कॉल. तो लोकल बॉडी के मेंबर्स नहीं है, आपकी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, लोगों की जो इश्यूज हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं वो कौन पहुंचाएगा आगे, राइट.
डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की अगर बात करें तो बिफोर डिसाइडेड टू कंडक्ट अ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शंस, राइट। पंचायती राज डिपार्टमेंट ने जो ऑफिशियल्स को डायरेक्ट भी किया है कि आप म्यूनिसिपल वार्ड और पंच जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज हैं उनको अर्जेंटली जो है वार्ड्स बना दीजिए, अभी तक वो बने नहीं हैं। देन फंड्स जो हैं आपके वो ख़त्म हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कम हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दे दिया, राइट। तो इट बेसिकली रेजेज अ क्वेश्चन ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन कि हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, स्पेशली ग्रास रूट लेवल पर, हमारी पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पर। तो ये एक छोटा सा करंट अफेयर था। हाँ, वॉट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन आर्मी नियर द LOC इन उड़ी सेक्टर? उड़ी सेक्टर जो बारामूला में है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, वहाँ पर एक आर्मी, इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे उन्होंने वो इनिशिएटिव पब्लिक के लिए खोल दिया है, इट इज़ फॉर पब्लिक यूज़। तो क्या इनिशिएटिव का नाम है? मार्टियर्स ऑफ उरी, इंडिया सेल्फी पॉइंट, भारत सेल्फी पॉइंट, इंडिया फोटो बूथ। इसका आंसर है इंडिया सेल्फी पॉइंट। एक सेल्फी पॉइंट बना दिया है हैशटैग इंडिया लगाकर, तो वहाँ पर आप खड़े होकर फोटो खिंचा सकते हैं उड़ी में। एंड ये इनिशिएटिव किसने गिफ्ट किया है, डिज़ाइन करके किसने गिफ्ट किया था इंडियन आर्मी को? रूबल नागी, डॉक्टर करण सिंह, दर्जी, सॉरी मैं ये वाला ऑप्शन जो है लिखना भूल गई, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर है रूबल नागी जो है, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है इनिशिएटिव इंडियन आर्मी के लिए, राइट। आई थिंक वो सेव नहीं हुआ था लास्ट में जो चेंजेस करे थे, सॉरी। ओके, तो इंडियन आर्मी ने क्या किया, इंडिया सेल्फी पॉइंट जो है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी सेक्टर में है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, उसको पब्लिक के लिए खोल दिया है। ये अक्लेम्ड आर्टिस्ट रूबल नागी ने बनाया है, उसने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी रूबल नागी ने बनाए हैं। एंड इट स्टैंड्स एज ए टेस्टिमनी टू राइजिंग नेशनलिज्म इन द वैली। एक कमिटमेंट है कि कैसे वैली में, कश्मीर वैली में नेशनलिज्म की वेव जो है वो आ रही है। डैगर डिवीजन जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया था, राइट। एंड एक इनोवेटिव और इंटरैक्टिव स्पेस है, इनोवेटिव है, नया एक सेल्फी पॉइंट बना दिया, एक इंटरैक्टिव स्पेस जहाँ पे लोग आके इंटरैक्ट कर सकते हैं, कि विजिटर्स कैसे कैप्चर कर सकते हैं और मेमोरेबल अपने शेयर कर सकते हैं अपने मेमोरेबल मोमेंट्स। इनफैक्ट NH-44 के बिल्कुल साथ में ये बनाया गया है, और ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है उसकी NH-44 पे, उसकी विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी। इनफैक्ट पीछे झेलम रिवर जो है वो भी फ्लो कर रहा है, तो मतलब एक बहुत ही अच्छे पॉइंट पर, एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर जो है इसको सेट किया गया है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्लम क्वीन? स्लम क्वीन नाम की एक किताब है जो बात करती है एक ऐसी औरत की जो बेसिकली स्लम्स में जाकर काम करती है, लोगों की एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, स्लम्स की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करती है। तो इट इज़ बेसिकली उसके टेस्टिमनीज हैं, उसकी जो है एक तरह से उसके एक्सपीरियंसेस वगैरह जो है उस बुक में जो है नोट डाउन किए गए हैं। तो कौन है? पद्मा सचदेव, अरुणा शर्मा, रूबल नागी, मारू के नायत। तो इसका आंसर है रूबल नागी। ये मैंने पिछले वाले करंट अफेयर से उठाकर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया था। ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जामिनर है वो आपको डायरेक्ट पूछे करंट अफेयर से, कभी कभी क्या होता है उस करंट अफेयर के अंदर जो होता है वो उससे रिलेटेड कोई सवाल आपसे पूछ सकता है, राइट। सो यहाँ पे रूबल नागी है, रूबल नागी, ये इनकी फोटो आ गई, शी इज़ अ सोशल वर्कर, एक आर्टिस्ट हैं, राइट। रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन और रूबल नागी डिज़ाइन स्टूडियो की ये मालिक हैं, इन्होंने फाउंड किया था उस चीज़ को। 800 म्यूरल्स उन्होंने बनाए हैं, 150 से ज़्यादा एग्जीबिशंस जो हैं होल्ड करी हैं, इंडिया डिज़ाइन काउंसिल की मेम्बर हैं, मुंबई के ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मुंबई ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इनफैक्ट इन्होंने क्या किया है, सारे शहर मुंबई के आसपास आर्ट इंस्टॉलेशंस लगाने की वो की है कि हम इन एंड अराउंड द सिटी जो है आर्ट इंस्टॉलेशंस लगाएंगे। उनका जो लेटेस्ट इनिशिएटिव जो है वो है मिसाल मुंबई। लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई थी, राइट। चार्जर लगाना था, चार्जर लगाना भूल गई थी, सॉरी।
तो उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मिसाल मुंबई, जहां पर वो स्लम्स की ब्यूटिफिकेशन को जो है देखेंगे। एक स्लम पेंटिंग इनिशिएटिव है इंडिया में, राइट, जिसमें उन्होंने कितने 1,55,000 से भी ज्यादा, 55,000, 1,55,000 से भी ज्यादा हाउसेस को पेंट किया है। पहली आर्टिस्ट थी जिनको इनवाइट किया गया था राष्ट्रपति भवन म्यूजियम न्यू दिल्ली में एग्जीबिशन करने के लिए, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जो है उनका काम जो है सिलेक्ट किया था। रूरल कश्मीर में विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं, स्किल डेवलपमेंट, क्रिएटिंग विलेज एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। ये 1980 में इनका जन्म हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर की हैं। शी इज अ डॉटर ऑफ द सॉइल, राइट, एंड शी डिड अंडर ग्रेजुएट स्टडीज इन पॉलिटिकल साइंस एंड लेटर स्टडीड फाइन आर्ट एट द स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट इन लंदन, एंड देन शी फर्दर वेंट ऑन टू स्टडी एट द यूरोपियन आर्ट एट स्लॉथबीज लंदन, राइट। तो इन्होंने द स्लम क्वीन लिखी है, जहां पर ये अपने एक्सपीरियंसेस बताती हैं स्लम्स को, किस तरह से उन्होंने ब्यूटिफाई किया है, किस तरह से उन लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन है, कैसे उन्होंने वहां पर जाकर चीजें इंप्रूव करी हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट यूथ एथलीट अवार्ड एट द फोर्थ एशियन अवार्ड्स? बेस्ट यूथ एथलीट अवार्ड किसको मिला है फोर्थ एशियन अवार्ड्स में? इकरा रसूल, पलक कौर बिजराल, अफशान आशिक या शीतल देवी? इसका आंसर है डी, शीतल देवी। और कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं शीतल देवी? शीतल देवी जो है आर्चरी खेलती हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग में आ गई है, कंपाउंड वाले कैटेगरी में नंबर वन रैंकिंग पर हैं। ये हमारी पैरा एथलीट हैं जो जिनकी बाजू नहीं है, लेकिन फिर भी वो आर्चरी करती हैं। कैसे करती हैं? अपने पैरों से आर्चरी करती हैं, राइट। तो इंडियन पैरा आर्चर शीतल देवी इमर्ज विक्टोरियस एट द फोर्थ एडिशन ऑफ द एशियन अवार्ड इन रियाद। कहाँ पे हुए थे? रियाद, सिक्योरिंग द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ बेस्ट यूथ एथलीट, ठीक है। अब ये जो आपके एशियन अवार्ड्स हैं, ये एशियन पैरालंपिक कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है, राइट, एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को ये ऑनर करते हैं एशियन पैरा एथलीट्स और ऑफिशियल्स में। अब बेसिकली हैंगजू में जो आपकी एशियन पैरा गेम्स हुई थी अक्टूबर में, वहां पर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। शी इज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड एंड इन्होंने गोल्ड जीता था इंडिविजुअल और टीम कंपाउंड इवेंट्स दोनों में। फर्दर उन्होंने एक सिल्वर भी मेडल भी जीता था कंपाउंड डबल्स कैटेगरी में, ठीक है। ये बेसिकली शी इज बॉर्न विद अ कंडीशन कॉल्ड फोकोमिलिया। फोकोमिलिया में क्या होता है? आपकी बाजुएं नहीं होती हैं, और इन्होंने बेसिकली यूएस के मैट स्टट्समैन है, वहां से बेसिकली शी हैज बीन इंस्पायर्ड एंड शी ज्वाइन द रैंक्स ऑफ आर्मलेस आर्चर्स, ठीक है। एंड इन्होंने पिल्सन में जो है वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, बैंकॉक एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में नैरोली मिस किया था क्लेमिंग द कॉन्टिनेंटल टाइटल, और वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग है कंपाउंड वुमेन में। शीतल देवी अगेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अकॉर्डिंग टू द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट रिपोर्ट, विच स्टेट और यूटी इन इंडिया हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स? स्नो लेपर्ड्स का जो आपकी एक पॉपुलेशन असेसमेंट रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है स्नो लेपर्ड्स की? जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख में, राइट। अरे यार आज इतने इश्यूज क्यों आ रहे हैं? आई एम रियली सॉरी, आज आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है बार बार। लैपटॉप आई थिंक पुराना हो गया। हाँ जी, तो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स देखने को मिले हैं? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या लद्दाख? इसका आंसर है लद्दाख। 477 स्नो लेपर्ड्स लद्दाख में हमें देखने को मिल रहे हैं, एज कम्पेयर टू ओनली 9 इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ मिलते हैं स्नो लेपर्ड्स? ये बेसिकली मिलते हैं किश्तवाड़, हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क में, ये याद रखना। स्नो लेपर्ड्स का जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रेजेंस है यहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। हु इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट रिपोर्ट फॉर इंडिया? जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन असेसमेंट की जो रिपोर्ट बनाई जाती है, उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड,
IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो जो आपका बेसिकली नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ये बेसिकली कंडक्ट करवाते हैं इंडिया में, इंश्योर करते हैं कि स्नो लेपर्ड्स की जो पॉपुलेशन असेसमेंट है वो अच्छे से हो सके. सॉरी, राइट. तो ये अकाउंट आ गया, लद्दाख में 477, जम्मू और कश्मीर में 9, हिमाचल प्रदेश में 51, उत्तराखंड में 124, सिक्किम में 21 और अरुणाचल प्रदेश में 36. दीज आर दी ओनली स्टेट्स जहां पर आपको स्नो लेपर्ड्स मिलेंगे. इनके अलावा स्नो लेपर्ड्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है. तो बेसिकली टोटल 718 स्नो लेपर्ड्स बोला गया है वाइल्ड में है, जिसमें से 477 जो है लद्दाख में है. दो तरह की मेथडोलॉजी, टू स्टेप मेथडोलॉजी होती है कि वो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि स्पेशली किस तरह से उनका हैबिटेट, किस तरह से उन्होंने जो है डिवाइड करा हुआ है, और दूसरा कैमरा ट्रैप्स जो है वो यूज करते हैं. कैमरा के थ्रू जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि स्नो लेपर्ड्स कितने हैं, राइट. एक साइंटिफिक इनिशिएटिव है स्नो लेपर्ड्स की जो पॉपुलेशन है उसको सेफगार्ड करने के लिए, बिकॉज स्नो लेपर्ड्स अगर आपको पता हो हिमालयन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इन्हें घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि इनको साइट करना, इनको देखना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर इवेंट है, राइट. सो दिस इज अबाउट द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट. What is the name of the telemedicine mobile unit which has been launched by Dr. Jitendra Singh from Ramnagar? रामनगर उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक टेलीमेडिसिन का मोबाइल यूनिट जो है वो लॉन्च किया था. उसका क्या नाम है? आयुष्मान भारत ऑन व्हील्स, आयुष्मान डॉक्टर्स ऑन व्हील्स, आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स, आरोग्य टेलीमेडिसिन मोबाइल यूनिट. क्या है? क्लोज क्लोज ऑप्शंस हैं सारे. इसका आंसर है आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स. ये बेसिकली आपका एक इनिशिएटिव है. इसके साथ पहले दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगी. हाँ, विच मॉडर्न डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू सपोर्ट दिस टेलीमेडिसिन मोबाइल यूनिट? आज की डेट की कौन सी ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके इस टेलीमेडिसिन यूनिट को बनाया गया है, टेलीमेडिसिन मोबाइल यूनिट को बनाया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 5G टेक्नोलॉजी, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके. तो इंसान जाएगा, जो आपका पेशेंट है, जो रूरल एरिया में या रिमोट एरिया में जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो वो जो आपका पेशेंट है वो जाएगा वहाँ पे. एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बेसिकली एक सिस्टम होगा जिससे वो बात करेगा, बातचीत करने, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करेगा. वो जो यूनिट है, AI यूनिट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला यूनिट है, वो उस पेशेंट को रिप्लाई भी उसी की भाषा में करेगा, वो भी उसी भाषा में जवाब देगा. और जवाब देने के बाद, उसके कंडीशन के बारे में जानने के बाद, वो उसको एक स्पेशलिस्ट के साथ जो है जोड़ेगा उनको कंसल्ट करने के लिए किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थ्रू आउट इंडिया में जो इम्पैनल्ड है स्कीम में, वहां पे उनको कंसल्ट करेंगे. एंड वहां पर बातचीत करने के बाद 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर जो है एक प्रिस्क्रिप्शन जो है उस पेशेंट को दे दी जाएगी, राइट. तो आप अपने घर से, अपने एरिया से आपको बहुत दूर जाने की, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है. जम्मू से मुंबई जाने की या जम्मू से दिल्ली जाने की या कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है. दे आर ब्रिंगिंग द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एंड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स टू यू, राइट. सो दैट इज वॉट इट इज बेसिकली. जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MOSPMO, पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, इतने सारे चार्जेस हैं इनके पास, राइट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर बेस्ड है, और ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज रिमोट एरियाज में प्रोवाइड करता है जहाँ पे इनएडिक्वेट या कम्प्लीटली अनअवेलेबल आपकी हेल्थ केयर है. या तो बहुत कम हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं या फिर बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, राइट. तो बेसिकली क्या होगा, पेशेंट जो है अपनी कंप्लेंट जो है नरेट करेगा अपनी मातृभाषा में, नेटिव लैंग्वेज में, डोगरी में, कश्मीरी में, विच एवर लैंग्वेज जो वो इस्तेमाल करता है. जो AI डॉक्टर होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीन लगी है, AI डॉक्टर है, वो अंडरस्टैंड करेगा उस पेशेंट की लैंग्वेज को और उसी लैंग्वेज में वापस उससे बात करेगा. उसके बाद पेशेंट को कनेक्ट कर दिया जाएगा किसी सुपर स्पेशलिस्ट के साथ कंट्री में, जो कि किसी लीडिंग हॉस्पिटल से होगा, राइट. जिसके साथ आपका ये टाइप हुआ हुआ है, MOU साइन हुआ होगा. पेशेंट की एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी प्रोफाइल टेस्ट होगा और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएंगी,
और 40 से 50 मिनट के अंदर एक प्रिस्क्रिप्शन जो है पेशेंट को दे दी जाएगी और ये फ्री ऑफ चार्ज होगी। मुफ्त इनिशिएटिव है हेल्थ केयर यूनिवर्सलाइज करने के लिए हेल्थ केयर को, राइट? किसने लाया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, रामनगर उधमपुर में। ओके, हाँ, द खेलो इंडिया विंटर गेम्स आर ओपन टू एथलीट्स फ्रॉम विच एज ग्रुप? खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है अभी कंडक्ट करवाई जा रही है, पहला पार्ट जो था उन गेम्स का वो लेह में कंडक्ट करवाया गया और दूसरा पार्ट जो है वो श्रीनगर में होगा, कश्मीर में हो, कश्मीर वैली में होगा, श्रीनगर में नहीं, कश्मीर वैली में होगा। एंड उसको डिले कर दिया गया है क्योंकि बर्फ नहीं पड़ी थी और बर्फ विंटर गेम्स है वहां पे, आपकी स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज जो स्नो से रिलेटेड है वो है, तो इस वजह से इनको पोस्टपोन कर दिया गया। जो आपकी कश्मीर वैली वाली गेम्स थे उनको जो है पोस्टपोन करके एक अगली अगली डेट पर, आई थिंक 21 से 25 फरवरी जो है डेट्स उनकी कर दी गई है, राइट? ओके, तो ओपन टू एथलीट्स फ्रॉम विच एज ग्रुप? Under 25, Under 19, Under 15, Under 17। इसका आंसर है Under 17, और इसके अलावा Under 21 के लिए भी ओपन होता है, बट सिंस यहाँ पे ऑप्शन में 21 नहीं था तो Under 17 इज द आंसर। ओके, जम्मू और कश्मीर में कहाँ पर होल्ड की जा रही है? अभी बताया कश्मीर वैली में होनी है, कश्मीर वैली में कहाँ में? पहलगाम, सोनामर्ग, भद्रवाह या फिर गुलमर्ग? अब कश्मीर वैली मैंने बोल दिया तो भद्रवाह तो अपने आप कैंसिल हो जाता है, लीविंग अस विद पहलगाम, सोनामर्ग या गुलमर्ग। तो ये गेम्स जो है गुलमर्ग में आपकी कंडक्ट करवाई जाएंगी, ठीक है? दिस इज द फोर्थ एडिशन ऑफ दीज गेम्स। 2020 में जम्मू और कश्मीर ने ये विंटर गेम्स स्टार्ट करी थी और पहली बार जो है लद्दाख को जो है इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, लद्दाख को बुलाया गया, लद्दाख का ये डेब्यू है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। तो ये फोर्थ एडिशन है और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज मेकिंग इट्स डेब्यू, और इन्होंने इस साल जम्मू और कश्मीर के साथ साथ ये होस्ट कर रहे हैं। 2020 से ये गेम्स जो है होस्ट की जा रही हैं। ले जो है 2 से 6 फरवरी तक फर्स्ट पार्ट ऑफ द गेम्स को होल्ड करेगा, आई थिंक अब तो खत्म हो गया होगा, और गुलमर्ग में 21 से 25 फरवरी। इसको डिले कर दिया गया, क्यों डिले कर दिया गया? क्योंकि ड्राई स्पेल था, बर्फ नहीं पड़ी थी। अब लद्दाख में बेसिकली आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग कराई गई थी और जम्मू और कश्मीर में स्की माउंटेनियरिंग, एल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिक स्की एंड गंडोला, एंड नंबर ऑफ टोटल 16 गेम्स जो है, 16 एक्टिविटीज इसमें करवाई जाती है, राइट? खेलो इंडिया विंटर गेम्स बेसिकली खेलो इंडिया मिशन का पार्ट है जो कि प्रधानमंत्री जी ने जो है नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने लाया था, खेलो इंडिया मिशन जो था उनका ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है? उनके उनका उनका एक ऐसा प्रोग्राम है जो उनके दिमाग से निकला है, राइट? तो उनका ब्रेन चाइल्ड है। तो पीएम का एंडेवर है कि भाई हर तरह के ओलंपिक स्पोर्ट को जो है हम प्रमोट करें, सो दैट हमारे जो एथलीट्स हैं उनको एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट मिल सके और वो बेसिकली हाईएस्ट लेवल्स ऑफ सक्सेस की तरफ जा सके, ठीक है? तो ये है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 और ये है शी ने शी शान जो कि बेसिकली मैस्कट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। तो मैस्कट फॉर द 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स इज अ स्नो लेपर्ड नेम्ड शी ने शी और शान। स्नो लेपर्ड नेटिव है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। अभी मैंने बताया जम्मू और कश्मीर में कहाँ पर, किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क में, एंड लद्दाख में कहाँ पर, जो आपका आप मुझे बताओगे लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है, राइट? लद्दाख के कौन से नेशनल पार्क में जो है स्नो लेपर्ड पाया जाता है, कहाँ पे मिलता है, राइट? ये स्पिरिट ऑफ द गेम्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट जो ट्रांस हिमालयन रीजन में जो इकोलॉजिकल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज जो फेस कर रहे हैं स्नो लेपर्ड, उसको भी हाईलाइट करता है और बेसिकली उसकी कॉन्जर्वेशन हमें करनी है क्योंकि उसका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, फ्रैगमेंट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हमें वो प्रोटेक्ट करना है। इसलिए शान जो है शी और ही वट एवर हैज बीन चोजन एज द मैस्कट फॉर द 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स। सो दैट इज ऑल फॉर जनवरी 2024। जनवरी 2024 में इतने ही करंट, इतनी ही इम्पोर्टेंट न्यूज थी जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड थी।
बाकी फेब्रुअरी के अभी करेंगे, थोड़ा सा टाइम होने दो। अभी इसके बाद जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 के हमने कर लिए, अब हम करेंगे जुलाई अगस्त एंड सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स, ठीक है। उसको भी दो तीन पार्ट्स में कवर करेंगे, देखेंगे कितना कवर होता है, कितना क्या करंट अफेयर्स हैं। तो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। Thank you.